हाय एवरीवन, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ ये मैक्स हॉस्पिटल जो गुड़गांव में है वहाँ की वीडियो है। यहाँ पे वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट का हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे शुरू हुआ है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे ये वॉल है, बेसमेंट की वॉल है, आउटर वॉल है। इस पर पेड़ पौधे लग गए, इतने बड़े बड़े हो गए, फिर भी इसके नीचे से पानी का लीकेज और सीलम पूरे बेसमेंट में चला जाता था, जहाँ से पानी भर जाता था और इस होटल को बहुत नुकसान हो रहा था। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इन्होंने जब इस वाल को बनाया था बहुत दिन पहले, जब शुरू में कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो उस टाइम वाटर प्रूफिंग का काम नहीं कराया था, जिसकी वजह से आज इनको दिक्कत हो रही है। और इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे होने के बावजूद भी इनको हटाया जा रहा है। टोटल मैं बता दूँ कि सीमेंटेड है, नीचे से सीमेंटेड किया गया था लेकिन वाटर प्रूफिंग नहीं हुआ था इसमें, जिसकी वजह से आज इनको ये नुकसान हो रहा है। तो अब यहाँ पर वाटर प्रूफिंग का काम इन्होंने शुरू कर दिया है और मेरी कंपनी को यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का काम हमने लगा दिया है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से डिगिंग हो रही है, खुदाई चल रही है और आगे वाटर प्रूफिंग का ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं सामने, यहाँ पे फर्स्ट टू सेकेंड कोट, थर्ड कोट, फोर्थ कोट, टोटल सेवन कोट यहाँ पे वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट होता है। वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट तो कभी भी हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन बात यह है कि इतना नुकसान होने के बाद वाटर प्रूफिंग का ट्रीटमेंट, अगर ये काम ये पहले करा लिए होते तो ये नुकसान इनको नहीं झेलना होता। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं यहाँ पर और सारी वीडियो डालता हूँ, आपको अपडेट मिल जाएगी। और जो भी से नेक्स्ट हमारी वीडियो पड़ेगी या नेक्स्ट कोटिंग करूँगा तो आप उसको जल्द से जल्दी देख के जो चीज़ें होती हैं उसको पता कर सकते हैं, सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कैसे क्या करना है वो भी दे दूँगा, नंबर भी दे दूँगा, उस पर कॉल करके क्या एस्टिमेट पड़ेगा, कहाँ सर्विस अवेलेबल है, कहाँ पर नहीं है, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं कोटिंग में कैसे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ कोटिंग हमारी ये चल रही है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये फोर्थ कोटिंग है, इसके बाद थ्री कोटिंग और होगी। जो भी फर्स्ट कोटिंग से लेकर सेवन कोटिंग जो होता है मैं चैनल पर ऑलरेडी पहले से डाल चुका हूँ, चैनल पर विजिट करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस पर ये हमारा कोटिंग हो रही है, एमबी एक प्राइमर होता है वो लग रहा है, इसके बाद फाइबर लगेगा, फाइबर लगने के बाद फिर एक दो कोटिंग और होगी और इसको धूप में ठीक से सुखा लेना है। जैसे ये धूप में सूख जाएगा इसके बाद एक तरह से वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट आपका हो गया। अब ये वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसके बाद फिर ये हॉस्पिटल में फिर इसमें मिट्टी डाल के इस पर पेड़ पौधे फिर से लगा दिए जाएंगे। लेकिन जो पेड़ पौधे थोड़ा सा बड़े होने में टाइम लगते हैं और जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई शायद कोई नहीं करता है, वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट का काम है वो तो हम कर देते हैं। तो वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको आप पूरे अपने घर में जो है छत पर, बालकनी में, बाथरूम में, इसका बेसमेंट में आप कहीं भी करा सकते हैं। अगर आपका नया नया घर बन रहा है अगर उस टाइम आप वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको आगे चल के जो नुकसान झेलना पड़ता है उसके नुकसान आपको वहाँ पे नहीं होगा। तो आपका नया नया घर बन रहा है तो एक बार हमसे संपर्क करके, नंबर में दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से संपर्क करके अपने नए मकान में भी करा सकते हैं। नए मकान में कराने में थोड़ा सा खर्चा जो होता है कम आता है, एस्टिमेट कम आता है, तो कम खर्चे में आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट मिलेगा। आगे चल कर ऑक्सीजन और लीकेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारी सर्विस आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में अवेलेबल है, फिलहाल दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार में भी अवेलेबल है। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर मैं बहुत सारा वीडियो डाला हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। धन्यवाद।